आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज़ टीवी में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं कुछ अहम खबरें। अत्तापुर प्लेयर नंबर 110 के पास एक शख्स नशे की हालत में बरखी टावर पर चढ़ गया। पुलिस ने इसे नीचे उतारा और दवाखाना मुंतकिल किया। అరే అందరినీ ఎట్లా అనుకుంటే ఎట్లా ఎవడో ఒక డిసిప్లిన్ ఉంటే కదా దేశం मेरा नाम शिव कुमार। इधर देखो कैमरा। उन्हें यहाँ तापी मिस्त्री काम करते हैं और क्या बोलो तो उन्हें ऊपर 2000 रुपए देना कटे तापी मिस्त्री का। अच्छा देने का रहे तो क्या है तो ऊपर उन्हें और ढूंढ रहे थे मारने के लिए उसको। अच्छा क्या क्या करा कि क्या नहीं कि मेरे को तो मालूम नहीं बोला। अच्छा ऊपर लोगों से तो कोई भी नहीं आते ना ऊपर बोल के नहीं वही बोल रहा। अच्छा। और क्या बोलो तो उसका अम्मा मारे इसको दिन है कहते। अच्छा उसके वास्ते पैसे दे बोल के सेठ को पूछा करते। सेठ को पूछे थे उन्हें क्या बोला करते नहीं मेरे कहीं पैसे नहीं है क्या नहीं बोल के मार के सट्टा गिट्टा फाड़ दिया करते। वही बता रहा मेरे को। अच्छा तो वही हालत में आके ऊपर चढ़ के बैठ गया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिव कुमार। आप कौन से डिपार्टमेंट से? मैं इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट टीएस ट्रांसको सीबी का। अच्छा थैंक यू। विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल पीपल उसको कन्विंस करके नीचे ले गए। सर वजह क्या है? इसमें DRF वाला हेल्प करा और लोकल पुलिस आल्सो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट फायर। सर क्यों सर टच नहीं किया? अभी मालूम करना है। हॉस्पिटल को भेजा गया उसका कंडीशन बाद में मालूम। शमशाबाद पुलिस स्पेशल ऑपरेशन टीम ने गांजा गैर कानूनी मुंतकिल करने वालों को गिरफ्तार किया और गांजे को जब्त किया। चित्रकुंडा कोरापुट जिला ओडिशा राष्ट्रम नुंची अक्रमंगा गंजाई रवाना चेस्तुन्ना ई मुठानी ఈ రోజు రాయనగర్ పోలీస్ మరి SOT శంషాబాద్ కలిసి పట్టుకోవడం జరిగింది. ప్రధానంగా మనం చూస్తే కోరాపూట్ నుంచి హైదరాబాద్ మీదుగా మహారాష్ట్రకి ఈ ముఠా తరలించడం జరుగుతుంది గంజాయిని. మరి ఈరోజు ఒక ముగ్గురిని మనము అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ప్రధానంగా చూస్తే ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कार पर काले आने और नंबर प्लेट सही ना होने पर कार्रवाई की गई और चालान आयात किया गया। गोपालपुरम पुलिस ने गैर कानूनी गुटखा फरोख करने वाले दो अफराद को गिरफ्तार किया। तो जैसा कि आपने देखा नाजरीन क्या हो रहा है देश और दुनिया में, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमें दीजिए इजाज़त।